जी ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट F3 कैपलान एग्जाम किट। तो क्वेश्चन नंबर 182, कैरेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू राइट्स इश्यू मेड बाय एन एंटिटी। राइट्स इशू याद है, जो एक शेयर शेयर होल्डर को शेयर दे मार्केट रेट से कम पे जो दिए जाते हैं ना, उसे राइट्स इशू कहते हैं। क्या लगता है, राइट इशू कैपिटलाइज द एंटिटीज रिजर्व्स विच कैन बी द डिसएडवांटेज एज दिस कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स अवेलेबल फॉर फ्यूचर डिविडेंड। नहीं, ये तो शेयर प्रीमियम उसमें है, बोनस शेयर्स में होता है ना, क्योंकि बोनस शेयर्स हम रिजर्व से इशू करते हैं तो रिजर्व हमारे डिक्रीज होते हैं। राइट्स इशू रिजर्व से इशू नहीं होते ना। अच्छा, राइट इशू इज ऑफर टू द एंटिटीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड इज यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस कंपेयर टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ये ठीक है, सही है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड करेक्ट हुए, तो ऑप्शन टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 182, which two items within the statement of financial position which would change immediately following an issue of redeemable preference shares। अच्छा, ये redeemable preference shares, ठीक है, शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या चेंज आएगा, दो चेंजेस क्या आएंगे। देखिए, रिडीमेबल एक होते हैं प्रेफरेंस और दूसरे होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस। इरिडीमेबल इक्विटी का पार्ट होते हैं और रिडीमेबल लाइबिलिटी का। तो इससे आपकी लाइबिलिटी में इफेक्ट आएगा और कैश में चेंज आएगा ना, तो कैश इंक्रीज होगा और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी। आंसर होगा A1 एंड 5। अच्छा, अगर ये रिडीमेबल के बजाय यहाँ इरिडीमेबल लिखा होता फिर क्या आंसर होता, मैंने 1 एंड 4 हो जाता फिर इक्विटी, ठीक है, क्योंकि इरिडीमेबल इक्विटी का पार्ट होते हैं और रिडीमेबल लाइबिलिटी का पार्ट है। तो फिलहाल आंसर होगा A 1 एंड 5। 184, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कार्टराइट कंपनी शोज क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ऑफ 2,23,20,568। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शोड प्रॉफिट ऑफ 79,286 but paid last year dividend of 12,200 during the year and proposed a dividend of 13,500 at the year end. This had not been approved by the shareholders at the end of the year. So, ये तो नहीं आएगा ना, 13,500, ठीक है। अब क्या रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस बताना है। अच्छा, अभी हमने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसमें रिटेन अर्निंग का कॉलम था ना, उसमें क्या लिख रहा था, ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस डिविडेंड्स, तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था। अब क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग फाइंड करना है, रिवर्स कैलकुलेशन होगी। तो उसमें जो ऐड हो रहे हैं वो लेस हो जाएंगी, वैल्यूज जो लेस हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3,20,568। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट ऐड होता है तो रिवर्स कैलकुलेशन में माइनस हो जाएगा, 79,285 माइनस करते हैं। अच्छा, डिविडेंड पेड माइनस होता है, रिवर्स कैलकुलेशन में प्लस हो जाएगा ना, 12,200। और ये प्रपोज है, अभी ये अप्रूव नहीं हुआ तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा 2,53,483, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर, कौन सर आता बोल रहे हैं। अब ये है 185, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ गियरिंग फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर In addition to the profit above, gearing company paid a dividend of 21,000 during the year. A gain on revaluation of land resulted in a revaluation surplus of 18,000.
वो टोटल अमाउंट विल बी एडेड टू रिटेन अर्निंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा रिटेन एंड टोटल क्या ऐड होगा अब ये बताना है। तो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड होता है। अच्छा प्रॉफिट कौन सा लेंगे, इट इज 68 या 36? 36 आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा और 36,000 ऐड होंगे, डिविडेंड पे हो रहे माइनस हो जाएगा, 21,000 माइनस करते हैं। रिवैल्यूएशन गेन 18,000 का, ये रिटेन अर्निंग में नहीं आता, इसको तो अलग से अकाउंट बनता है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से, या रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट अलग बनता है। बस इसका सम कर लेते हैं तो 15,000 रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाए, तो टोटल 15,000 रिटेन अर्निंग में ऐड हो। ठीक, तो आंसर होगा 15,000। क्लियर? 186। Which of the following items would you exclude from the statement of changes in equity में क्या नहीं आता? Statement of changes in equity, issue share capital, bank loan, revaluation, dividend. Bank loan नहीं आता ना, ऑप्शन बी। 187, which two of the following statements are true? रिडीमेबल प्रिफरेंशियल आर क्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट ट्रू है। इरिडीमेबल प्रिफरेंशियल आर क्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी, नो। सी, इरिडीमेबल प्रिफरेंशियल आर क्लासिफाइड एज इक्विटी, नो। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी, यस। तो ए एंड डी हो जाएगा ना ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए एंड डी। वन एटी एट, सी राइट्स इश्यू, नो। कैश इज रिसीव्ड, गलत है, कैश आता है। राइट्स इश्यू हो रहा है। एंटिटी इश्यू शेयर फॉर ईच एट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, नो। ब्लो मार्केट होता है। एंटिटी इश्यू शेयर फॉर कैश एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस, यस। नन ऑफ द अबव, नो। सी आंसर हो जाएगा। 189 बताएं। सी, ट्रू इन रिलेशन टू बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स। एंटिटी इश्यू इज फॉर कैश एट प्राइस, नो। एंटिटी इश्यू शेयर फॉर कैश एट प्राइस, नो। कैश इज रिसीव फ्रॉम, सी आंसर। यहाँ पे एक और भी लिखा हुआ है, बी अ बोनस इशू शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश, मतलब यहाँ पे बी नहीं, ऑप्शन ना आपके पास है ना, मेरे हाँ पास ना, मेरे आपके पास पास क्या है? इशू शुड बी प्रेजेंटेड स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो। अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी हम पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बात करते हैं कैश फ्लो की, कैश कितना रिसीव हुआ कितना पे हुआ। तो इसमें नहीं बोनस जो कैश आता ही नहीं है तो डी नहीं होगा। ठीक, कैश फ्लो होता ही नहीं है सर। 190, जी। और सही विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? डिविडेंड पेड बाय एंटिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फॉल्स है ना, फॉल्स है। डिविडेंड रिसीव बाय एंटिटी आर इंक्लूडेड इन चेंज इन इक्विटी, डिविडेंड रिसीव तो नहीं आएगा इसमें। तो डिविडेंड रिसीव बाय एंटिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सही है।
डिविडेंड पेड बाय एन एंटिटी आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, 3 एंड 4 हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। व्हेन एन एंटिटी पेज अ डिविडेंड व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन। ये मैंने एंट्रीज लिखवाएगी ना आपको, 3 तरह से बताई थी। ठीक है, तो इसमें कौन सी बनेगी, रिटेन अर्निंग, डेबिट, बैंक, क्रेडिट। ठीक सी आंसर 192। चलिए, 2000 शेयर्स एंड $1 के 1.75 के रेट पर इश्यू हो रहे हैं, तो 20,000 को मल्टीप्लाई करें 1.75 से, तो ये कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा 35,000 से। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 20,000 से। शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा 15,000 से। ठीक, 193। अच्छा, बोनस इश्यू की एंट्री बतानी है वैसे 193 में। बोनस इश्यू ऑफ 1 शेयर फॉर 4 हेड। ठीक, पहले तो आप देख लें कितने शेयर इश्यू होंगे। अब टोटल है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 62,500। अच्छा, बोनस शेयर्स किस वैल्यू पर इश्यू होते हैं, पार वैल्यू पर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, 21,250 के शेयर इशू। एंट्री क्या होती है इसकी, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो आंसर होगा बी, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। 194। Which of the following would you exclude from statement of changes in equity? Share premium, revaluation reserve, irredeemable preference shares, redeemable preference share. C या D? सी होगा, C या D? ये रिडीमेबल इक्विटी है तो वो Redeemable तो equity कहाँ है? है। Irredeemable equity होता है, redeemable तो liability होते हैं। D आंसर हो जाएगा। 195। Which of the following statements are correct? A limited liability company will always have both an issued share capital and a share premium account. Will always have, always तो नहीं हो सकता, होते हैं, कैपिटल अकाउंट भी होता है, प्रीमियम भी होता है, लेकिन जरूरी प्रीमियम जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना, तो ये ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विल ऑलवेज हैव एन इश्यूड शेयर कैपिटल अकाउंट एंड मे आल्सो हैव अ शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये ठीक है, स्टेटमेंट 2 सही होगा। एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विल ऑलवेज हैव आइदर अ शेयर प्रीमियम अकाउंट और रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। दोनों हो सकते हैं और दोनों नहीं भी हो सकते हैं, आइदर वाला सीन तो नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक तो ये आ गया आपका, अब ये मजीद क्वेश्चंस यहाँ आगे मिलेंगे हमें, नंबर लिखते थे। तो ये क्वेश्चन तो सोल ट्रेडर से रिलेटेड है, ये आप लोग इजीली कर लेंगे, पूरा कंपनी के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट, कुछ इंश्योरेंस, इसके बाद ये कंट्रोल अकाउंट आ गया है।
चैप्टर कंसोलिडेटेड है। नहीं प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कर लेते हैं 257। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू मिनीज हेयर ड्रेसिंग बिजनेस इन द ईयर एंडेड अगस्त 31, 2007। रिक्वायरमेंट का व्हाट इज द सेल्स फिगर फॉर द बिजनेस। हाँ अब इसमें क्या करेंगे, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे पहले, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे सेल्स आज। तो आसान कर ले, हो गया। इसमें क्या कर रहे, 258। तो ये देख लेते चले। एस्ट्रल कंपनी है द डेबिट बैलेंस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स ऑफ 500 इंक्लूडेड इन दिस इट्स ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन जून 34। एस्ट्रल एस्टिमेटेड दैट इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून वॉज 8,000। वॉट अमाउंट शुड इंक्लूड इन द एस्ट्रल फाइनेंशियल फॉर द ईयर। ये बैलेंस इसका था डेबिट 500 और ये करंट ईयर एस्टिमेट है इसका 8,000 का। अब बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट में क्या अमाउंट चार्ज होगा, बैलेंस शीट में क्या अमाउंट। टैक्स हमने पढ़ा था याद है ना। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लिखते थे, क्या आती है उसके लिए, करंट ईयर एस्टीमेट प्लस लास्ट ईयर अंडर एस्टीमेट और करंट ईयर एस्टीमेट माइनस लास्ट ईयर ओवर एस्टीमेट, और बैलेंस शीट में आप लिखते हैं करंट ईयर एस्टीमेट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो आएगा 8,000। और अब इसमें इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे आप। अच्छा देखिए, ये डेबिट बैलेंस है ना 500 का। अच्छा ये एस्टीमेट हमने क्या 8,000, इसकी एंट्री क्या होती है, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट होता है। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा 8,000 से और ये बैलेंस भी इसका डेबिट है 8,500, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स कितना चार्ज होगा, 8,500। सही मतलब और इस लास्ट ईयर हमने अंडर एस्टिमेट किया हो, ठीक। तो डेबिट बैलेंस आ, ओके। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 8,500। बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी 8,000 से, तो आंसर होगा बी। ठीक है, 259। अच्छा ये आपका वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, याद है बिजनेस इक्वेशन यूज की थी हमने उससे, PIDC, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल नेट एसेट्स हैं, क्लोजिंग नेट एसेट्स दिए हुए हैं आपको, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ड्राइंग्स हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो आप लोग कर लीजिएगा। 260। कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ, अच्छा सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक, नो रॉ मटेरियल बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कैपिटल नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वेजेस बीइंग पेड इन कैश। वेजेस पे करेंगे, इससे एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो आपके कैपिटल भी रिड्यूस हो जाए। ठीक है जी, ये सारे सोल ट्रेडर से रिलेटेड है, ये आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग है ना, ये वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाली इक्वेशन है प्रॉफिट लॉस की, इसमें वो देख लेते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होंगे ना वो कर सकते। सर आप नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्लास में। इसमें कैपिटल फाइंड करना, ये सब आपके सोल ट्रेडर से रिलेटेड है। ठीक है, 266। ट्रेड द अमाउंट दैट विल बी इंक्लूडेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ ज़ैपा कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004 बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देयर वाज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 70,000 अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है, याद है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्वेश्चन वन क्या था, एंड में आता है। ठीक है, ये आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर रिलेटिंग टू बिल्डिंग वॉज 20,000। जयपुर कंपनी डज नॉट मेक एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन बिटवीन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर। देयर वॉज अ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ 1,000।
अच्छा क्या है, मिस्टर व्हाट अमाउंट विल इंक्रीज द अदर कंपनीज ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंडेड बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ही आएगा ना, डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो होता है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट होती है ना उसकी, तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं होती कोई एडजस्टमेंट। अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल भी ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आएगा, सिर्फ 70,000। ये इसमें नहीं आया गेन। गेन ऑन डिस्पोजल तो आपकी अदर इनकम है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है, ऊपर ऐड हो जाएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ठीक, बाकी ये जो सरप्लस होता है एक्सेस डेप्रिसिएशन, ये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग में एंट्री बनती है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कह रहे, तो उसमें क्या आएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन या सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन 267। जिसमें क्या अमाउंट दैट विल चार्जेस एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस और द ईयर एंडेड। अच्छा दी तो द क्लैपटन कंपनी इनका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा हमने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा ना, अच्छा ये छोड़ देता, अभी ये थ्योरी का है। एमोर्टाइजेशन भी हमने नहीं पढ़ा, ये इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा, इसको भी जाने बाद में करेंगे। इसका एक आईएएस है, आईएएस पढ़ेंगे उसके बाद इसको। 268 ये पहले आपने कर लिया था, आईएएस 16 के टाइम पे करवाए थे मैंने, ये क्वेश्चन तो कर लिए थे ना आईएएस 16 जब पढ़ रहे थे इवैल्यूएशन वाले। ठीक है ये जाने दें। फर्स्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, ये आप लोग कर लेंगे। अब यहां से कंपनी के क्वेश्चन देखते हैं। 271 क्रॉन कंपनी हैज 1 लाख डॉलर 50 सेंट शेयर्स एंड 4 लाख डॉलर 8% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू, अ डिविडेंड ऑफ 3 सेंट पर ऑर्डिनरी शेयर एंड हाफ ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 3 एंड 1000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑर्डिनरी कितना बन रहा है, डिविडेंड 3 सेंट पर ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा जी ऑर्डिनरी कितना है, 3 सेंट, तो कितना बनेगा, 3 सेंट पर ऑर्डिनरी शेयर है तो अमाउंट क्या बनेगा इसका, 3000 15,000 क्या है, 15,000 क्या, ये है 1 लाख डॉलर है। गलत। ये से देखिए कैपिटल की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, 1 लाख डॉलर इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में, तो इसलिए डिवाइड करेंगे पार वैल्यू से, 2 लाख शेयर्स आ गए। अब डिविडेंड कितना है, 3 सेंट पर शेयर है, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से, 0.03 6,000 का डिविडेंड बना, तो 3,000 पर ऑर्डिनरी शेयर, यहाँ क्या दे रहे हैं 3,000, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, डिविडेंड बन रहा है 6,000, यहाँ 3 कह रहे हैं। अच्छा फिर है प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 16,000 वाज एक्रूड एट द ईयर एंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कहता है कि एंड हाफ ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा प्रेफरेंस टोटल कितना बनेगा भाई, 4 लाख 8% 32,000, उसने देखिए हाफ पे किया है यानी कि 16,000 पे हो गया, 16,000 एक्रूड हो गया पेबल, तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, आंसर होगा इसका बी ओनली, क्लियर। तो आपने देखिए इस चीज का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं या कैपिटल की वैल्यू दे रहे हो, डॉलर का साइन है या नहीं है, तो ठीक है इस चीज का ख्याल रखना है, इससे काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आंसर हो गया इसका बी, टू ओनली, 272 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 25 सेंट। अच्छा ऊपर देखें डॉलर का साइन, अब ये वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, 1 लाख डॉलर और शेयर प्रीमियम है 30,000 डॉलर का,
रिक्वायर्ड क्या व्हाट बैलेंस ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम का बैलेंस बताना। जनवरी ऑन ऑर्डर रेस फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन उस पर कंपनी मेड 1/4 राइट्स इशू, दिस इशू वाज फुली टेकन अप, दिस वाज फॉलोड बाय 1/10 बोनस इशू ऑन 1 जून। अच्छा, पहले राइट शेयर इशू हो रहे हैं, फिर बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, उसके बाद आपको बताना है शेयर प्रीमियम का बैलेंस क्या हो। तो इसके एंट्रीज बना लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये जरा सा लेंथी है, राइट इश्यू की एंट्री बनाते हैं। राइट इश्यू ऑन 10 जनवरी इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन ऑस्बर कंपनी मेड 1/4 राइट इश्यू, 1/4। तो पहले हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इश्यूड कैपिटल कितनी है, $1 लाख और 25 सेंट इश्यूड कैपिटल कितना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय पार वैल्यू कितनी है, 0.25, कितना आ जाएंगे, 4 लाख शेयर्स आ जाएंगे ना। मैं डॉलर का साइन लगा देता हूँ ताकि क्लियर रहेगा। तो 1 लाख डॉलर है, तो शेयर्स कितने बनेंगे, 4 लाख शेयर्स। ठीक है, अब राइट्स इशू कितने होंगे, राइट्स इशू का रेशियो क्या है, 1/4, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, 1 लाख शेयर्स इश्यू होंगे ना, 1 लाख शेयर्स। इसकी एंट्री क्या होगी, अब राइट्स इश्यू की बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल, क्रेडिट। अच्छा प्रीमियम है या नहीं है, हाँ 1.15 का रेट है तो शेयर प्रीमियम भी आएगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन ये पे लिख देता हूँ, 4 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है, रेट है 1.15 का, तो 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई करें 1.15 से, 1,15,000 तो कैश आ गया। तो और आगे ले जाते कैपिटल की कैलकुलेशन होगी, 1 लाख इनटू पार वैल्यू कितनी है इसकी, 0.25, तो ये 25,000। प्रीमियम कितना है, पर शेयर कितना होगा, 1.15 माइनस 0.25 90, ये 0.9 हो गया, ये बन जाएगा कितना, 90,000। ठीक है, ये तो राइट शेयर्स की एंट्री हो गई, राइट शेयर्स इश्यू हो गए। कन्वर्ट टाइम कर देते हैं, अब बोनस शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, बोनस शेयर्स की डेट क्या है, 1 जून है, जून 1। पहले तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, 4 लाख, राइट्स इशू किए 1 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। 5 रेशियो क्या दिया, 1/10 का, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, 50,000। अच्छा बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। बोनस शेयर इशू होते हैं हमेशा पार वैल्यू पे, तो 50,000 इंटू पार वैल्यू है 0.25, 12,500, 12,000 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या प्रीमियम कैलकुलेट करना था ना, तब इसको कैलकुलेट, प्रीमियम का यहाँ बैलेंस कितना है, 30,000, शेयर प्रीमियम का बैलेंस है 30,000। फर्स्ट एंट्री में देखिए शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है 90,000, तो ये ऐड कर लेंगे क्रेडिट, और सेकंड एंट्री में शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा था, ये माइनस कर देंगे 12,500। ये शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,07,500। सही है, नंबर ऑफ शेयर्स पास। बताता हूँ, एक मिनट, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ शेयर 5 लाख कहाँ से आए, देखें राइट्स इशू कितने थे, हमारा इशूड कैपिटल कितना था, इशूड कैपिटल 4 लाख, राइट शेयर्स कितने इशू हुए, 1 लाख, टोटल कितने हो गए, 5 लाख।
5 लाख शेयर जैसा ना आ गए 70। टू सेवेंटी थ्री वेयर इज इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइड इन अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड डिविडेंड्स पेड। डिविडेंड पेड कौन से स्टेटमेंट में आता है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा यहाँ दो स्टेटमेंट है, अब एक स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ा और वो होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है वो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो आंसर इसका होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऑप्शन 3 एंड 4। 3 एंड 4 तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू सेवेंटी फोर टू वेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड टैक्स ऑन प्रॉफिट फॉर द करेंट पीरियड एंड द अनरियलाइज सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द ईयर बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। टैक्स ऑन प्रॉफिट और अनरियलाइज सरप्लस, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, टैक्स ऑन प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अच्छा जी टैक्स कहाँ पे आता है? इनकम स्टेटमेंट में, तो उसका मतलब ए या सी में से आंसर हो जाएगा ना, ए या सी। अच्छा अनरियलाइज सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कहाँ आता है? कैश फ्लो में नहीं आता, कैश फ्लो में हम कैश फ्लो की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सी करेक्ट आंसर। रियलाइज होता कैश फ्लो में हाँ क्या चला जाता है, क्या 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 है। क्वेश्चन नंबर 275। व्हाट फिगर इफ एनी शुड बी डिस्क्लोज्ड इन एल कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड जून एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन दैट डेट। अच्छा ये डिविडेंड की बात कर रहे हैं ना। अच्छा देखिए डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आता, ठीक है प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो डिविडेंड नहीं आता, तो आंसर होगा सी या डी में। अच्छा बैलेंस शीट में आते हैं अगर पेबल हो तो, डिविडेंड पेबल हो तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज अ करंट लाइबिलिटी, अदरवाइज नहीं आएगा। सही। अच्छा ईयर एंड कब हो रहा है इसका? जून 30 में। अच्छा पहला डिविडेंड था ये पे हो गया ना, जून 5 में पे हो गया, ये तो नहीं आएगा। ये जून 6 में पे हो गया, ये भी नहीं आएगा, पेड है ना। अच्छा अब ये लास्ट वाला जो ये कह रहा है फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड जून 6 पेड, पेड फॉर द ईयर एंडेड डिक्लेयर अगस्त 6। देखिए ईयर एंड हो रहा है जून 6 में, ये डिक्लेयर कब हुआ है? अगस्त जुलाई 2 महीने बाद पे हुआ है, ठीक है। तो ये जो ये लाइब्रेरी कब बना होगा, ये लाइब्रेरी कब बना? 1,20,000 अगस्त में लाइब्रेरी बना ना, जब डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के बाद लाइब्रेरी बनती है, ठीक है। और ईयर एंड कब हो रहा है? जून 30 डिक्लेयर हो रहा है अगस्त में, ईयर एंड के बाद, तो 30 जून को ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए जब 30 जून पे बैलेंस शीट बनेगी उसमें डिविडेंड पेबल नहीं आएगा, ये तो आंसर हो जाएगा डी, नेल हो जाएंगे तो। ये पेमेंट्स की डेट है सितंबर 5 में, जून 5 का डिविडेंड पे हुआ, अगस्त में डिक्लेयर हुआ, मार्च 6 में जून 6 का डिविडेंड इंटायर, और सितंबर में हमने डिविडेंड पे किया था जून 6 का, जो डिक्लेयर कब हुआ था? अगस्त में पे हुआ सितंबर, तो जून इसके 30 पे ये लाइबिलिटी नहीं था। 30 जून 2006 इसके आगे पेड ये करिए। डेट एंड देखिए सितंबर 6 क्या हुआ? फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड जून 6 पेड,
पिछले साल में दिया। हाँ September 6 में हमने June 6 का डिविडेंड पे किया, जो डिक्लेयर कब हुआ था, अगस्त। तो ईयर एंड हुआ जून में, इस तरह देखें, जून में ईयर एंड हुआ, अगस्त में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, सितंबर में पे हुआ, मतलब डिक्लेयर अगले साल भी हो सकता अगले साल ही होता है नॉर्मली, अगले साल में ही होता है। देखिए ईयर एंड हो है रहा है मतलब आपका आपने जून में ना, हाँ देखिए ईयर एंड हो रहा है जून में, अब जून एंड हो गया उसके बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, बनने में टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे ना, बड़ी कंपनी है तो कई महीने लग जाते हैं। अच्छा उसके बाद फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर, फिर मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें फिर डिक्लेयर होता है डिविडेंड, ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में ही डिक्लेयर होता है, करंट ईयर में नहीं होता, सही। इंटरिम होता है जो करंट ईयर में डिक्लेयर होके पे भी हो जाता है, फाइनल नेक्स्ट ईयर में डिक्लेयर होता है और फिर नेक्स्ट ईयर में ही। तो करंट ईयर में नॉर्मली फाइनल डिविडेंड नहीं आता, एज अ लायबिलिटी नहीं आता। $276 Which two of the following statements are correct? आंसर बताएं। The first है, an entity make rights issue if it wishes to raise more equity capital. True है, correct. A right issue might increase share premium account, whereas a bonus issue is likely to reduce it. True है, rights issue से आपका premium increase हो सकता है, और बोनस इश्यू तो हमेशा डिक्रीज ही होता है। राइट इश्यू विल ऑलवेज इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन एन इक्विटी, वेयर एज अ बोनस शेयर विल नॉट। नहीं, दोनों ही गलत है। देखें, राइट इश्यू ऑलवेज इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नो, क्योंकि राइट इश्यू तो एग्जिस्टिंग को दिए जाते हैं ना, तो उसमें तो शेयर होल्डर इंक्रीज नहीं होता है। वेयर एज अ बोनस इश्यू इज विल नॉट, बोनस में भी नहीं होते, दोनों हम एग्जिस्टिंग को देते हैं, जिससे नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज नहीं होते। अ बोनस इश्यू विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, बोनस इश्यू से तो मार्केट वैल्यू कम होती है, इंक्रीज नहीं होते, नो। तो करेक्ट 1 एंड 2, ऑप्शन ए। $277, अब इसमें टैक्स का बताना है, इनकम स्टेटमेंट में टैक्स चार्ज कितना होगा और बैलेंस शीट में टैक्स पेबल कितना आएगा। ट्रायल बैलेंस इंक्लूड क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, और टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी सेटल, टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड चार्ज। अच्छा ये करंट ईयर एस्टिमेट है, अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, ठीक है, और करंट ईयर एस्टिमेट है 67,900। तो करंट ईयर एस्टिमेट की एंट्री क्या होती है, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा 67,900, और इसका बैलेंस कहाँ रहे, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट एंट्री हो रही है, तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएंगे, माइनस होके क्या बचेगा, 67,4,500, 64,500। तो सी या बी में से होगा। अच्छा बैलेंस शीट में हमेशा करंट ईयर एस्टीमेट आता है ना, ठीक, तो 67,900 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, वही जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे वही यूज होंगे इसके अंदर। $278, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। करंट नॉन करंट बताना है आपको ना, इसमें करंट एसेट या लाइबिलिटी और नॉन करंट एसेट या लाइबिलिटी दोनों देखने, करंट में क्या आएगा नॉन करंट में क्या आएगा, वो चाहे लाइबिलिटी हो या एसेट दोनों बताना है। वन, अ सेल हैज बीन मेड ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर, दे हैव एग्रीड टू टर्म्स स्टेटिंग दैट पेमेंट इज ड्यू विद इन 12 मंथ्स टाइम। अच्छा करंट हो जाएगा। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 30,000 इज अवेलेबल अंडर एन एग्रीमेंट विद द बैंक विच एक्सटेंड 2 ईयर्स, जी क्यों,
क्या चीज 2 ईयर है, किस चीज के 2 साल ही है, किस चीज के? ओवरड्राफ्ट, एग्रीमेंट, फैसिलिटी, क्या है ना? एग्रीमेंट हुआ है ना कि दो, एग्रीमेंट हुआ है कि आप 2 साल तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, 30,000 तक का ओवरड्रॉ कर सकते हैं 2 साल तक। तो ये एग्रीमेंट हुआ है 2 साल का, आपको फैसिलिटी मिली है क्या अगले 2 साल तक, नेक्स्ट 2 ईयर्स की बात हो रही है ना, विच एक्सटेंड 2 ईयर। तो एग्रीमेंट हो गया है कि आपकी जो ओवरड्रॉ फैसिलिटी वो 2 ईयर के लिए एक्सटेंड हो गई है, तो फैसिलिटी एक्सटेंड हो रही है, लायबिलिटी एक्सटेंड नहीं हो रही। जिसका मतलब है जब भी आप, आपके पास अब 2 साल है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में जब चाहे ओवरड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ओवरड्रॉ करेंगे तो पे तो फॉरन करना है आपको, करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्सटेंड हुई, कि आपकी जो फैसिलिटी थी वो 2 साल के लिए बैंक ने एक्सटेंड कर दी कि आप मजीद 2 साल तक ओवरड्रॉ कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो, और लिमिट कितनी है आपकी? 30,000। लेकिन जब भी ओवरड्रॉ करेंगे तो पे तो विद इन 1 ईयर ही करना होता है ना, बल्कि ओवरड्राफ्ट तो पे करना होता है ऑन डिमांड, कि जब आप, बैंक आपसे डिमांड कर ले। ठीक है, तो ये किसमें आएगा? करंट, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी एक्सटेंड हो रही है, ओवरड्राफ्ट एक्सटेंड नहीं हो रहा। ठीक, तो ये चीज का ख्याल रखना जरा, गौर से पढ़ा करें सेंटेंस। थ्री अल्ब्राइटर्स कंपनी परचेज स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी विच इज इंटेंड टू ट्रेड। अच्छा, अब आपने शेयर खरीदे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया हमने, और इंटेंशन किया हमारी ट्रेड करने की है ना, ट्रेडिंग है, मतलब आज खरीदे कुछ टाइम बाद बेच देंगे, तो करंट हो गया आपका, करंट एसेट हो गया ना। अ बैंक लोन हैज बीन टेकन आउट ऑफ विद रीपेमेंट डेट 5 ईयर्स हेंस, ये नॉन करंट हो गया। तो पहला करंट है, दूसरा करंट, तीसरा करंट, आखिर वाला नॉन करंट, सी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। ये थोड़ा लेंदी है, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। 279 अच्छा, इसमें क्या? ठीक है, कर लेते हैं, हो जाएगा। व्हाट वाज द टोटल ऑफ इक्विटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, बताना है आप इक्विटी का टोटल। इक्विटी में क्या आएगा? वैल्यूएशन सरप्लस, ऑर्डिनरी इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रॉफिट फॉर बिफोर टैक्स एस्टिमेटेड, ये आप लोग कर लीजिएगा, लेंदी है थोड़ा, छोड़ देते हैं, होमवर्क में कर लीजिएगा, कर रहे हैं अभी।